मॉर्निंग एवरीवन, मी नेहा तिवारी, नर्सिंग ट्यूटर इन आगे स्कूल ऑफ नर्सिंग. टुडे आई एम टेकिंग अ न्यू टॉपिक फॉर जीएनएम फर्स्ट ईयर क्लास एंड सब्जेक्ट इज नर्सिंग फाउंडेशन. सो न्यू टॉपिक इज कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट वी विल सी डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइन और बिहेवियर. कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोगों के बीच में जो भी ओपिनियंस, थॉट्स, आइडियाज होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं. या तो वो एक लोग के साथ हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी होता है. तो हमारे नर्सिंग में कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसकी पर्पस क्या है? ये फर्स्ट पर्पस है टू कलेक्ट असेसमेंट डेटा. जब भी पेशेंट आता है हम उससे पहले हालचाल पूछते हैं, नॉर्मली बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसके साथ आईपीआर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद फर्स्ट हम लोग असेसमेंट डेटा असेस करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, लाइक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दिस. सो नेक्स्ट टू इनिशिएट इंटरवेंशन. जब वो अपना डाटा देता है तो जो नर्सेस होती हैं वो इंटरवेंशन इनिशिएट प्लानिंग करने लगती हैं कि उन्हें क्या प्लान देना है. देन टू इवेलुएट आउटकम इंटरवेंशन. एट लास्ट जो भी फाइनल प्लानिंग उन्हें पता चल जाती है. देन टू इनिशिएट चेंज विच हेल्प इन प्रमोटिंग हेल्थ. कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है जिससे कि वो हेल्थ को प्रमोट करे. कि जैसे कि अगर पेशेंट जब तक हमें नहीं बताएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है, हम उसकी केयर या ट्रीटमेंट उसे कैसे देंगे, तो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को भी रिसॉल्व करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन की हेल्प लेते हैं. तो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल आप लोग नाम से ही जानते होंगे कि वर्बल मतलब बोलना. तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो भी हम लोग कम्युनिकेशन बोल के करते हैं. एक फॉर एग्जांपल जो क्लास टीचर्स क्लास भी लेते हैं, लाइक मी, मैं भी अभी क्लास ले रही हूँ, तो इट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन. जो भी टॉपिक समझा रही हूँ वर्बली आपको समझा रही हूँ, तो इट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हम लोग बोल के करते हैं. दूसरा है नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में हमारा आएगा लाइक रिटेन. कुछ भी चीज़ें हम लोग रिटेन देते हैं और काफ़ी टाइम पे हम लोग इशारों से बताते हैं. जो भी मेंटली या कोई भी ब्लाइंड है या कुछ लोग टच करके, ब्लाइंड है तो टच करके पढ़ते हैं. नॉन वर्बली में वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी कम्युनिकेशन. सो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और भी चीज़ें हैं. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि हमें और क्या क्या चीज़ें देखनी हैं कम्युनिकेशन में. थैंक यू.